नमस्कार प्यारे विद्यार्थी बहनों एवं भाइयों, हम आपको आज बताएंगे कि आप घर में खीर, चावलों की खीर, आप बहुत स्वादिष्ट खीर आप खुद ही अपने हाथों से घर में तैयार कर सकते हैं। आपको बाजार जाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए बहुत ही सरल तरीका हम आपको बताते हैं क्या करना है। सबसे पहले आप सामग्री लोड कर लीजिए। आपने अच्छे साफ चावल जो है चुन लेने हैं, और चावल ले लीजिए 250 ग्राम, और दूध ले लीजिए 1 किलो दूध ले लीजिए, शुद्ध गाय का दूध। और इसमें डालने के लिए अक्सर लोग चीनी डालते हैं, वो उससे दांत खराब होते हैं, साइड इफेक्ट कई हैं उसके। लेकिन शक्कर का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये शक्कर आप शुद्ध शक्कर है, गुड़ की शक्कर है, ये डाल सकते हैं, ये डाल लीजिए। और बादाम ले लीजिए और घी ले लीजिए। सबसे पहले आपने क्या करना है कि चावलों को 2 से 3 बार आपने अच्छी तरह पानी में भिगो करके धो लेना है, साफ कर लेना है। और इसको कढ़ाई में डाल करके शुद्ध देसी घी 2-3 चम्मच उसमें डाल के अच्छी तरह आपने भून लेना है। जब देखो कि रेड ब्राउन हो गए हैं तो आपने उसमें ये 1 किलो दूध है जो वो डाल देना है, और इसको अच्छी तरह हिलाते रहना है ताकि चावल नीचे बैठ के चावल काले ना हो जाए, उसको आग सिकने से उसका रंग काला ना पड़ जाए, इसलिए आप उसको हिलाते रहना है। उसके बाद आपने देखना है कि जब दूध चावलों में मिल गया है और कम हो गए हैं, तो आपने उसमें शक्कर, बादाम, पिस्ता वगैरह कुछ भी आप ड्राई फ्रूट उसमें डाल सकते हैं। डालने के बाद उसको अच्छी तरह हिलाते रहिए, और आपके ठंडा करने के बाद आपकी खीर तैयार है। शुद्ध बढ़िया देसी घी की खीर घर में खाइए और मस्त हो जाइए। ये खीर आपको और कहीं नहीं मिलेगी, आपको खुद अपने हाथों से घर में बनानी पड़ेगी। आप बनाइए और खाइए और सभी को खिलाइए। थैंक यू वेरी मच।